हेलो दोस्तों, एवरी निगवा में आपका फिर से स्वागत है। टॉयज सबको पसंद होते हैं, स्पेशली लड़कियों को डॉल बहुत पसंद आती है। पर क्या हो अगर टॉयज यानी नॉन लिविंग थिंग्स में अपने आप चेंजेस आने लगे। ऐसी एक डॉल की कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं जिसके नेचुरली हेयर ग्रो करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ओकीकू डॉल स्टोरी। दोस्तों ये कहानी तब शुरू होती है जब 1918 में जापान में सपैरो में 17 साल का बच्चा सुजुकी अपनी 2 साल की बहन के लिए एक डॉल खरीदता है। एक एग्जीबिशन में बड़ी सुंदर सी गुड़िया को देखकर सुजुकी को अपनी बहन के लिए डॉल खरीदने का आइडिया आता है। डॉल 40 सेंटीमीटर बड़ी थी और वो किमोनो में ड्रेस्ड अप थी। उस डॉल के बाल काले थे और शोल्डर लेंथ तक के थे। जब सुजुकी अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन ओकीकू को ये प्यारा सा तोहफा गिफ्ट दिया और उसकी 2 साल की बहन इस तोहफे को लेकर बहुत खुश हुई। ये डॉल ओकीकू की फेवरेट डॉल बन चुकी थी और दिन रात ओकीकू के साथ ये डॉल रहती थी। कुछ दिनों बाद इस डॉल को वो ओकीकू ही बोलने लगी। डॉल एक पल भी अब इस बच्ची की नजरों से दूर नहीं रहती थी। पर एक दिन 1919 में ओकीकू को बहुत तेज फीवर हुआ और वो मर गई। बहुत बड़ा झटका था ओकीकू की फैमिली के लिए क्योंकि वो महज 3 साल की ही थी। डॉल को भी ओकीकू के साथ ही गाड़ना था पर किसी कारण से वो डॉल बाहर रह गई। घर वालों के लिए याद में ओकीकू की सिर्फ आखिरी निशानी ये डॉल थी और इस डॉल को भी ओकीकू अपने नाम से बुलाया करती थी। इसलिए घर वालों ने इस डॉल को अपने पास ओकीकू की याद में रख लिया। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने नोटिस किया कि डॉल के बाल शोल्डर तक थे पर वो अपने आप कमर तक लंबे कैसे हो गए। घर वालों को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। घर वालों को लग रहा था कि शायद ये एक भ्रम है, इसलिए उन्होंने डॉल के बाल शोल्डर लेंथ तक काट दिए और फिर कुछ दिन इंतजार किया और कुछ दिन बाद इस डॉल के बाल अपने आप फिर बढ़ गए। घरवाले इस हादसे से बहुत डर गए थे और उन्होंने 1938 में नए घर में शिफ्ट होने का फैसला लिया। घरवाले इस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे पर साथ ही साथ ओकीकू के प्यार में इस डॉल को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस डॉल को मेनेंजी टेंपल में छोड़ दिया और प्रीस्ट को सारी बात बता दी। अब प्रीस्ट भी इस बात को देखना चाहता था कि क्या सच में डॉल के बाल उगते हैं, इसलिए उन्होंने इस डॉल के बाल शोल्डर लेंथ तक काट दिए जो कि फिर से अपने आप कमर तक आ चुके थे कुछ दिनों बाद। अब बात ये आती है कि ये सब हुआ कैसे, कैसे एक डॉल जो नॉन लिविंग थिंग है उसके बाल अपने आप उग रहे हैं। दोस्तों बहुत लोगों का मानना ये है कि ओकीकू का फेवरेट टॉय ये डॉल थी और उसकी जान इस टॉय में बसती थी, तो इसी वजह से आज भी ओकीकू इस डॉल में कैद है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना ये है कि ओकीकू की डेथ का कारण ये डॉल है क्योंकि इसी डॉल की वजह से ओकीकू की डेथ हुई। डॉल के मटेरियल में किसी ने ब्लैक मैजिक करा था जिसका शिकार ओकीकू हो गई। बहुत से लोगों का प्रीस्ट का ये मानना था कि अगर इस डॉल में सच में ओकीकू की आत्मा है तो इस डॉल के हेयर का सैंपल टेस्ट करना चाहिए, पर सवाल फिर ये उठा कि सैंपल को कंपेयर किसके साथ करें क्योंकि ओकीकू को मरे बहुत साल हो चुके थे। मेनेंजी टेंपल जो कि होकाइडो जापान में है वहां इस डॉल को ओकीकू की याद में आज भी देखा जा सकता है। ये डॉल एक आम डॉल नहीं है क्योंकि हर साल इस डॉल के बालों को काटा जाता है जो कि नी तक आ जाते हैं। इन बालों का नी तक बढ़ने का वेट किया जाता है जो कि लगभग 1 साल में हो जाता है और फिर इन बालों को शोल्डर लेंथ तक काट दिया जाता है। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये इतनी शापित डॉल है तो इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें ओकीकू डॉल की कहानी विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है और इस डॉल ने आज तक किसी को हार्म नहीं पहुंचाया और ओकीकू की डेथ को सिर्फ एक इत्तफाक माना गया। और दूसरी तरफ ओकीकू की डॉल के लिए पेरेंट्स ने टेम्पल से रिक्वेस्ट की थी कि इसे हार्म या डिस्ट्रॉय मत करना क्योंकि ये ओकीकू की आखिरी निशानी है। दोस्तों इसी डॉल की तरह एक श्रापित रॉबर्ट द डॉल की कहानी याद आती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या सच में
ओकिको की जान इस डॉल की वजह से गई थी या सिर्फ वो एक इत्तफाक था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।